नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की ट्रेनिंग सीरीज के तीसरे ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडोर इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि सोलर सेल्स कितने टाइप्स होते हैं, उन्हें किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पैनल्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है और डेटा शीट को किस तरह रीड करते हैं वो भी हम जानेंगे। ये शुरू करने से पहले आइए एक झलक डालते हैं पिछली एक्टिविटी पर। पिछली बार हमने कहा था कि अपने घर का मंथली बिल कैलकुलेट कीजिए इस कंडीशंस के, तो उसका आंसर है दोस्तों टोटल आपका जो यूनिट्स कंज्यूम्ड होगा वो होगा 8.85 यूनिट्स पर डे और जो टोटल कॉस्ट होगा पर मंथ का वो आपका आएगा 1327.5 रुपीस। मुझे उम्मीद है आपको सही आंसर मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कहां आपसे गलती हुई होगी। आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों तीन जनरेशन के सोलर सेल्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में होते हैं मोनोक्रिस्टलिन और पॉलीक्रिस्टलिन। सेकेंड जनरेशन जिसे थिन फिल्म सोलर सेल्स भी कहा जाता है वो होते हैं एमोर्फस और सिलिकन। जो सेकेंड जनरेशन में आते हैं वो होते हैं कैडमियम और टेलोराइड। ये जो दो सेकेंड जनरेशन वाले हैं इनका जो पावर जनरेशन होता है वो काफी कम होता है। ये हम जनरली यूज करते हैं हमारे कैलकुलेटर्स में, हम जो कैलकुलेटर्स में सोलर सेल्स देखते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। थर्ड जनरेशन क्या आते हैं, ऑर्गेनिक और क्वांटम डॉट्स। और एक और सोलर सेल का टाइप आता है वो है कंसेंट्रेटेड फोटोवोल्टाइक सेल। ये दोस्तों क्या करता है कि आपकी जो सोलर रेज है सनलाइट है उसे एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट करता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देखते हैं अब मोनो और पॉलिस क्रिस्टलाइन सेल्स के बारे में। अब हम इसके बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा चलन में आने वाले सोलर सेल्स हैं। दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन जो होते हैं वो यूनिफॉर्म कलर के हमें दिखते हैं। कई बार हम जो पूरे ब्लैक कलर के जो सोलर सेल्स देखते हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं और जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं वो पैचेस ऑफ कलर में होते हैं। जैसे ब्लू कलर का है तो ब्लू के पैचेस, कहीं डार्क पैच होंगे कहीं लाइट पैच होगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म कलर नहीं होता। दोस्तों ये देखते हैं इनके बारे में कि क्या है ये, इनका डिफरेंस क्या है। तो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एक सिंगल क्रिस्टलिन सिलिकॉन का यूज करते हैं। दोस्तों एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन से हम एक पूरा सेल तैयार करते हैं, जबकि जो हमारा पॉलीक्रिस्टलिन है उसमें मल्टीपल क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन का यूज करते हैं, हम उन्हें मेल्ट करते हैं और फिर वो एक सेल बनाया जाता है। जो मोनोक्रिस्टलिन है उसकी एफिशिएंसी जनरली 15-20% के बीच में होती है दोस्तों, और पॉलीक्रिस्टलिन की 13-16%। आप देख सकते हैं कि पॉलीक्रिस्टलिन की एफिशिएंसी रेंज कम है लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, वो हम नीचे देखेंगे। मोनोक्रिस्टलिन क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप जान चुके समझ चुके होंगे कि उसे जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो भी कम होती है, और जबकि पॉलीक्रिस्टलिन जो है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है तो उससे जो रिक्वायर्ड रूफ स्पेस होती है वो ज्यादा होती है। दोनों 25 साल की वारंटी के साथ आते हैं दोस्तों। अब आते हैं कि पॉलीक्रिस्टलिन के कुछ एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तब अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो दोस्तों प्राइस भी तो ज्यादा ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि हमें सस्ते में सब कुछ अच्छा मिल जाए। तो जो मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं वो कॉस्टलीस्ट होते हैं, कॉस्टलीस्ट सेल्स हैं मार्केट में, और जो पॉलीक्रिस्टलिन है वो चीपर होते हैं कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो काफी चीप हो जाता है, तो ये एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर फॉल करते हैं पॉलीक्रिस्टलिन सेल्स। अब जो वेस्ट फॉर्म होता है मोनोक्रिस्टलिन सेल्स को बनाने में वो काफी ज्यादा होता है। दोस्तों हमने अभी आप सुना होगा आपने कि सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल यूज करते हैं, सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन यूज करते हैं, तो एक सिंगल क्रिस्टल को परफेक्टली कट करना, उसमें से सेल बनाना, तो उसके बाद जो वेस्ट होता है उस वेस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। मोनोक्रिस्टलिन सेल को दूसरा सेल नहीं बना सकते उससे, तो इसलिए बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। जबकि पॉलीक्रिस्टलिन जो है उसमें
बहुत बहुत कम वेस्ट जनरेट होता है, और परफॉर्मेंस जो है मोनोक्रिस्टलिन की वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है सेल टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे। हालांकि ये चीज पॉलीक्रिस्टलिन के साथ भी होती है, लेकिन ये उतनी एडवर्स नहीं है जितनी कि मोनोक्रिस्टलाइन में हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सोलर पैनल्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहां आप देख सकते हैं टिपिकल सोलर सेल इस तरह दिखता है। अब ये जो व्हाइट लाइंस आप देख रहे हैं वो है बस बार्स, इन्हें कहते हैं बस बार्स। ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी उसे कंडक्ट करने में बस बार्स हमारी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आप सेल्स में देख सकते हैं कि दो ही बस बार है, लेकिन जनरली जो आजकल के सोलर पैनल्स हैं उनमें 4 से 5 बस बार्स पर सेल होते हैं। अब सेल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं? तो सोलर सेल्स जो हैं उन्हें हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वो सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो वो हम बनाते हैं उससे एक सोलर पैनल। जो हमारा कंप्लीट सोलर पैनल है उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो सीरीज में ही कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और अगर वो सोलर पैनल हम सीरीज में, मल्टीपल सोलर पैनल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सोलर स्ट्रिंग। और इसी तरह दो तीन स्ट्रिंग्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसे कहते हैं सोलर एरे। आइए अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पैनल के। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है फ्रेम। तो फ्रेम दोस्तों स्ट्रक्चर है जो आपके पूरे सोलर सिस्टम, जो आपका पैनल का सिस्टम है उसे सपोर्ट करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। ग्लास जो है वो डायरेक्टली आपकी सोलर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, या फिर दूसरे प्रेशर से, या फिर कोई भी दूसरे फोर्सेस से, ताकि आपका सेल डैमेज ना हो। इसी तरह एनकैप्सुलेंट, एनकैप्सुलेंट जो होते हैं दोस्तों वो बेसिकली आपके सोलर सेल्स के ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाए जाते हैं, ताकि आपका सेल एक फिक्स पोजिशन में रहे। और एक जो एक एनकैप्सुलेंट्स होते हैं वो कैप्सूल की तरह काम करते हैं। जैसे कैप्सूल के आप कवर देखते हैं, आउटर कवर, उनका मेन एम होता है जो अंदर का जो मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करना, तो वैसे ही काम होता है एनकैप्सुलेंट का। इसके बाद आती है बैक शीट, और उसके बाद आता है जंक्शन बॉक्स। ये सब डिटेल में हम फिर कभी सीख समझेंगे, आज इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि किस टाइप के वॉटेज रेंज होते हैं सोलर पैनल के। जैसे कि आप देखते हैं कि 20 वॉट से लेके 350 वॉट और उससे ज्यादा सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं अभी करंटली मार्केट में। तो आप कैसे पता करेंगे कि पैनल की क्वालिटी क्या है, या आपकी जगह के लिए कौन सा पैनल सूटेबल है, आपको लेना चाहिए, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसका तरीका है दोस्तों 4 तरीके। पहले देखिए कि नंबर ऑफ बस बार्स कितने हैं उसमें। जितने नंबर ऑफ बस बार होंगे उतनी ही हमारे जो सेल की कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी है वो अच्छी रहती है। लेकिन ज्यादा अगर हो तो उससे शेडिंग का इफेक्ट आता है, कि सोलर रेज जो उस पर गिर रही है वो कम हो जाती है, जो हमें इफेक्टिव एरिया जो मिलता है वो कम हो जाता है। तो हमें एक जनरल ऑप्टिमम नंबर लेना होता है, वो है 4 से 5 के बीच। दूसरा आता है दोस्तों मॉड्यूल एफिशिएंसी, कि आपके सोलर मॉड्यूल की, आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी क्या है। तीसरा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कि आपके जो करंट वोल्टेज और पावर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आपके सेल के टेम्परेचर पे। कि अगर आपका सेल का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया तो आपका करंट वोल्टेज और पावर किस तरह वेरी करेगा, वो जानना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और आखिरी आता है वारंटी, कि आपके पैनल की, उस पैनल की क्या वारंटी है, उसके बेसिस पे ही आप लेते हैं। अब कहेंगे कि इतनी सारी चीजें अगर मैं ढूंढने लगा, इतना करने लगा, तो इससे अच्छा तो मैं ना ही हूं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें हमें अवेलेबल होती है एक ही जगह पे, और वो होती है पैनल की डेटा शीट में। तो अगर हम पैनल की डेटा शीट को पढ़ना सीख ले तो हम उसकी क्वालिटी, या वो हमें किस, वो हमें हमारी सिचुएशन में यूजफुल रहेगा नहीं रहेगा, हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेटा शीट को एग्जैक्टली रीड कैसे करते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक जनरल देखा था कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा शीट पे कैसे दिखते हैं। हमने बात की थी मैक्सिमम पावर की, पावर टॉल, ओपन सर्किट वोल्टेज की, शॉर्ट सर्किट करंट की,
वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर और करंट एट मैक्सिमम पावर की। अब आपने देख आप यहां देखिए दोस्तों, एक और चीज है जो हमारी चार रिक्वायरमेंट में से एक है और वो है मॉड्यूल एफिशिएंसी। वो आपको यही मिल जाती है, आपको बताती है कि कितनी एफिशिएंट है वो पैनल। आगे देखते हैं थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपकी डेटा शीट है उसमें थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स करके एक टेबल बना होगा जिसमें आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिलेगा, आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट करंट का मिलेगा, वोल्टेज का मिलेगा और साथ ही साथ पावर का भी मिलेगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी वैल्यू के सामने, उनके कोएफिशिएंट के सामने वैल्यू लिखी हुई है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ करंट के आगे लिखा हुआ है 0.0681। इसी तरह वोल्टेज और पावर के आगे नेगेटिव है, वोल्टेज के सामने -0.2941 और पावर के आगे -0.3845। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या सिग्निफाई क्या करते हैं ये? तो जो पॉजिटिव साइन है या फिर आपका जो कोई भी साइन ना हो अगर, जैसे कि आप देखते हैं करंट की वैल्यू में है, तो उसका मतलब है कि वो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। यानी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इसी तरह नेगेटिव साइन में आपकी जो वैल्यूज होती है उस एंटिटी की वो डिक्रीज होती है। जैसे वोल्टेज और पावर है तो वो करंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी वैल्यूज डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने की जो है वो दोस्तों ये है कि ये सब जो वैल्यूज हैं, जो कोएफिशिएंट है, वो तभी इफेक्ट में आएंगे जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज 25 डिग्रीज के अबव में हो। 25 डिग्रीज हमारा जो सेल का एसटीसी कंडीशन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेस्ट कंडीशन है। तो अगर 25 डिग्री के ऊपर जब आपका सेल जाए, सेल का टेम्परेचर जाए, तभी ये सारी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हैं ये इफेक्ट में आते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों वारंटी, कि वारंटी भी आपकी डेटा शीट में लिखी हुई है। यहां पे देखिए लिखा है 10 इयर्स लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी और 25 इयर्स ऑफ लिमिटेड पावर आउटपुट वारंटी। यानी जो आपका पावर आउटपुट है उसकी 25 साल की वारंटी है। लेकिन ये वारंटी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मिनिमम 90% एट द एंड ऑफ 10 इयर्स, यानी 10 साल तक आपको मिनिमम 90% ऑफ द रेटेड पावर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर 250 वॉट है तो 250 वॉट का 90% आपको 10 साल के एंड तक मिनिमम मिलेगा और 25 साल के एंड तक आपको मिनिमम 80% मिलेगा। यानी आप पूरे जो पैनल का लाइफ स्पैन है उसके दौरान अगर उसे पूरे में यूज करें तो आप मिनिमम 80% ऑफ द पावर एक्सट्रैक्ट करते ही रहेंगे 25 साल के एंड तक भी। आइए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये शीट दिखती कैसी है। ये देखिए, ये हमने वारिक जो कंपनी है उसका 250 वॉट का पैनल एग्जांपल के थ्रू लिया है। यहां हमने इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब यहां देखिए मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जो आपको वेट, आपके सोलर सेल्स कितने होते हैं पर मॉड्यूल वो बताते हैं, आपका सोलर का टाइप क्या है, मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है या मोनोक्रिस्टलाइन है वो बताते हैं, आपका जो फ्रंट कवर है उसका मटेरियल, एनकैप्सुलेट का मटेरियल, जंक्शन बॉक्स का क्या मटेरियल और क्या टाइप है वो भी बताते हैं। इसी के साथ आप दूसरी चीजें भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो है वो, और साथ ही साथ आप देखेंगे एक आई वी कर्व वेरिएशन विद इरेडियंस और आई वी कर्व वेरिएशन विद टेम्परेचर। आई वी कर्व दोस्तों हमारे सिस्टम को समझने के लिए और सोलार के इंस्टॉलेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।